गाइस, अब हो चुका है हमारा डिनर। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था कि क्या बन रहा है हमारे घर, और आज मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग करूँ, क्योंकि हेड देख सकते हो हेयरफॉल काफ़ी हो चुका है। तो मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो आज आप लोग को शेयर करूँगी, और पहले भी यूज़ करी थी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये ऑयल है वाओ का, वाओ वाओ ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है, और अभी है मेरे पास तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ। और ये नायका से ले सकते हो, purple.com से ले सकते हो, ऑनलाइन वाओ के वेबसाइट से भी ले सकते हो, और सिन्हा जी भी लगाते हैं वाओ का ऑयल। तो आज मैं थर्सडे का दिन 15 तारीख, और आज मैं बना रही हूँ अपना फूड, प्रिपेयर कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। मैं और सिन्हा जी थर्सडे के दिन खाते हैं सेंधा नमक में खाना। तो आप लोग देख सकते हो सेंधा नमक, सिर्फ सेंधा नमक, फास्ट वाला खाना। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला है, बस आलू और टमाटर और हरी मिर्च डाल के और सेंधा नमक में सब्जी बना रही हूँ। और इधर बनेगी पूरी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ। ये ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, अभी आलू बॉईल करके इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए, और कलर देख के बताइएगा आप लोग को कैसा दिख रहा है, यम्मी तो दिख ही रहा होगा। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आज का मॉर्निंग ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे, और जो भी करेंगे आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। और उधर सिन्हा जी कर रहे हैं कथा, और मैं थोड़ा सा नाश्ता का प्रिपेयर करके मैं भी जाऊंगी पूजा करने के लिए। सो वीडियो में बने रहे। बन चुका है, कौन सब्जी बना था अभी? आलू सब्जी, आलू आलू का सब्जी और पूरी, आलू टमाटर सब्जी और पूरी। पूरी तो फूल गया है, सब्जी तो रेडी हो गया, तड़ी वाला सब्जी बना है। हाँ, ये दो तरह से आप खा सकते हैं, इसको बॉईल करके बनाए हैं कि ज़्यादा कार्ब ना हो, बॉईल करने से सारा कार्ब निकल जाता है, सिर्फ आलू 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 बॉईल्ड आलू का सब्जी। और आप भी पूरी आलू का मजा लें, उसको बना के थोड़ा मिला देना चाहिए, मिलाने से अच्छा चूर कर दीजिएगा तो ग्रेवी अच्छा हो जाएगा, और इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। और ये तो मेरे दोपहर तक का सब्जी बन के रेडी हो चुका है, बस चावल बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो आप लोग को शेयर करूंगी। और इधर देखिए पूरी भी बन चुका है, और सिन्हा जी को सर्व कर देते हैं खाना। तो आप लोग देखिए हम इनको सर्व कर दे रहे हैं पूरी सब्जी, पूरी पूरी पूरी, ठीक है। अब सब्जी डालना है सिन्हा जी के कटोरी में, हरी मिर्च भी है इसमें, ध्यान से खाना होगा, हरी मिर्च भी डाले हैं और कश्मीरी मिर्च भी डाले हैं ही, और भी और इधर चढ़ाया दूध, और इसमें डालेंगे चम्मच दूध में नहीं यार सब्जी में, कि तुमको निकाल के खाना इजी आ जाए। तो सिन्हा जी के लिए प्लेट, पूरी सब्जी प्लेट। और ये अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी और लंबा ब्लॉग है, पूरा डे ब्लॉग है। ओके ओके, वेट फॉर अ मोमेंट सिन्हा जी। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो आज थर्सडे है, तो मैंने वेयर किया है थर्सडे के दिन येलो येलो। तो थर्सडे के दिन जरूर येलो वस्त्र धारण करना चाहिए, इन मतलब कि आपको येलो कपड़ा ज़रूर पहनना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, अब थर्सडे है तो थर्सडे का पूजा करूँगी सारा कुछ करके, फिर आपको मिलती हूँ ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल कुछ बाहर का ब्लॉग नहीं आ पाएगा, क्योंकि आ भी सकता है बट क्योंकि अभी हम लोग बिज़ी हैं थोड़ा किसी और काम में, तो ब्लॉग जो भी आएगा हमारे घर से रिलेटेड आएगा, डेली ब्लॉगिंग से रिलेटेड आएगा। सो एंजॉय कीजिए, और कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो आता ही, हर दिन कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे नया और अच्छा, ठीक है। हो सकता है विंटर कलेक्शन ही दिखा दे, तो कल हो सकता है विंटर कलेक्शन वीडियो आ जाए, क्योंकि समबडी इज़ आस्किंग फॉर विंटर कलेक्शंस,
तो ये भी एक मेरा जो टी शर्ट्स है, स्वेटशर्ट है, वो विंटर कलेक्शन का ही है। सो स्वेटशर्ट पहन लो, अगर बाहर निकल रहे हो तो जैकेट्स वगैरह डाल लो, इट्स ओके नाउ। सो तो चलिए चलते हैं पूजा करके, आपको मिलते हैं। ओके चलिए। तो अब मैं रात का डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैंने क्या क्या बनाया वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बनाया घी राइस, एंड घी राइस भी आपको बैक कैमरे से सब दिखाऊंगी। और सेना जी को खाना था आलू का भुजिया, जो बिहारी स्पेशल भुजिया होता है। देखिए भुजिया बन चुका है। और आज व्रत, और घी राइस भी आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बना है, बैक कैमरा से दिखा दूंगी, फ्रंट कैमरा से भी दिखा दूंगी। वेट। और आज मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आई थी आफ्टर 1.5 मंथ। और हाँ, काफी लोग जुड़े जो मेरे साथ जुड़ते थे, बहुत 38 लोग ज्वाइन किए, अनएक्सपेक्टेबल टच वुड की, मतलब इतने लोग ज्वाइन करे आगे से भी। और मेरा एक न्यू रील वीडियो आया है, उस पर जरूर आप लोग लाइक कीजिए, नया रिसेंटली शॉर्ट वीडियो है। और ये है घी राइस, घी राइस मैं बनाई हूँ। सिन्हा जी को राइस खाना था तो राइस बनाई, और अपने लिए रोटी बनाऊंगी। तो नाउ मेरा दाल बन चुका है। और आप लोग का वीडियो, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल तो मैं घर में ही रह रही हूँ, तो घर में भी हो गया दाल। और दाल में मैं चौका लगा के बनाई थी, तो इसीलिए मुझे अब कुछ भी नहीं करना, बस दो रोटी बनाऊंगी खुद के लिए। सो ब्लॉग में बने रहिए। गाइस अब हो चुका है हमारा डिनर, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था कि क्या बन रहा है हमारे घर। और आज मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग करूँ, क्योंकि हेड देख सकते हो हेयरफॉल काफ़ी हो चुका है। तो मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो आज आप लोग को शेयर करूँगी। और पहले भी यूज़ करी थी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये ऑयल है वाव का, वाव वाव ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है। और अभी है मेरे पास, तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ। और ये नायका से ले सकते हो, purple.com से ले सकते हो, ऑनलाइन वाओ के वेबसाइट से भी ले सकते हो। और सिन्हा जी भी लगाते हैं वाओ का ऑयल ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उस क्या आने वाला है वो सारा कुछ आपको संडे या मंडे को मिल जाएगा ब्लॉग। मंडे को होपफुली मंडे को आपको ब्लॉग मिलेगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। तो स्टे ट्यून, ट्यून होता है ना, क्या होता है, ट्यून, 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 स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। सो बाय बाय, मुझे ये बात भूल जाती हूँ, तो सोना सिर्फ बचती है स्टे ट्यून, 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 ट्यून। बाय करो सोना, बाय गाइस। अगर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।